आज चलेंगे कैसे मंदिर, जो था पहले एक जंगल और आज है हरी भरी हरियाली के बीच में और गुफाओं में। गुफाएं एक नहीं, जहां पर 100 गुफाएं हैं, जिनमें से 16 नंबर की गुफा सबसे विशेष है क्योंकि उसका नाम है कैलाश गुफा। बच्चे भी यहां पर आएंगे तो खुश हो जाएंगे। बंदर हैं, खाना पीना है, मौज मस्ती है, गुफाएं हैं, मूर्तियां हैं, फोटोग्राफी है। एक ऐसा मंदिर जिसे विदेशी आक्रांता 3 साल में भी नहीं तोड़ पाए और उसमें भी मुख्य मूर्तियां और शिवलिंग नहीं तोड़ पाए। सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर जो सिर्फ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है, मतलब एक छोटी सी भी गलती हो गई तो वापस सुधारा नहीं जा सकता। 7,000 मजदूरों ने जिसे मिलकर बनाया था, लेकिन उनके हाथ नहीं काटे गए थे ताजमहल की तरह। और एक प्रेम कहानी जो ताजमहल से भी बड़ी है, लेकिन हमें नहीं बताई गई। अब तक आपने कितने ऐसे मंदिर देखे हैं जिसे ऊपर से तराश कर नीचे की तरफ बनाया गया हो? पुरानी तो छोड़ो, आज की साइंस भी पहले नींव खोपती है, फिर उसका बेस बनाती है, फिर पिलर्स खड़े करती है और उसके बाद में फ्लोर खड़े किए जाते हैं। लेकिन यहाँ जुड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी, इसीलिए वो मंदिर बनाया गया पहले ऊपर से। लेकिन उस प्रेम कथा को सुनने के लिए अंत तक बने रहना पड़ेगा। लेकिन लोग 3 घंटे की मूवी देख पाएंगे, लेकिन मंदिर का वीडियो बहुत मुश्किल है देखना। 100 गुफाएं हैं जहां पर, जिसमें से 34 पब्लिक के लिए खुली हैं, जिसमें पब्लिक सबसे ज़्यादा 16 नंबर की गुफा में जाती है। 1 से 12 नंबर की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 13 से 29 नंबर की गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित हैं और 30 से 34 नंबर की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ये वो खंभे हैं जो एंट्रेंस पे लगाए गए हैं। कुछ बुद्धिस्ट लोग मानते हैं कि ये बुद्ध मंदिर था जिसे हिंदुओं ने तोड़ दिया। तो भैया, बुद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। विष्णु भगवान के अवतारों में एक अवतार बुद्ध भगवान है, तो क्यों हिंदू तोड़ेंगे? लेकिन आप सोचिए कि बुद्ध धर्म वालों ने क्या अंदर भगवान शिव का मूर्ति बनाया होगा या शिवलिंग बनाए होंगे? भगवान शिव की कितनी मूर्तियां हैं अंदर? तो क्या बुद्धिस्ट पूर्वजों ने बनाई होंगी वो? तो अगर वो भेदभाव नहीं करते थे तो आप क्यों करते हैं? ये कड़वा सत्य है, ना कोई जैन राजा हिंदू मंदिर बनाएगा, ना कोई बुद्धिस्ट राजा हिंदू मंदिर बनाएगा। ये सिर्फ हिंदू धर्म है, जिसमें माना जाता है कि जैन धर्म भी हिंदू धर्म की शाखा है और बुद्ध धर्म भी हिंदू धर्म की शाखा है। हम कोई भेदभाव नहीं करते, इसीलिए एक ही राजा ने इसे बनाया था, जिसने जैन मंदिर भी बनाए, बुद्ध मंदिर भी बनाए और हिंदू मंदिर भी बनाए। तो संभावनाएँ तोड़ने की क्या है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये कैलाश मंदिर 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा, ऊंचाई में 100 फीट, बिना कुछ जोड़े, एक भी जॉइंट लगाए, एक ही पत्थर से बनाया गया है, ऊपर से नीचे काटकर, वो भी बेसल्ट रॉक से, यानी सबसे मजबूत पत्थर माना गया है, और उसे काटकर नीचे तक आना है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि रोज़ अगर 12 घंटे 7,000 मजदूर काम करते हों तो 2,00,000 टन पत्थर काटकर यह मंदिर बनाया गया है और उसे बनाने में 18 साल लगे होंगे और लोग 10 मिनट का वीडियो नहीं देखेंगे। मतलब के 50 टन पत्थर हर दिन काटा जाता था, मतलब के 4 टन पत्थर हर घंटे तोड़ा जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर एलियंस ने बनाया था, क्योंकि उस समय पर इस तरह का मंदिर किसी मानव के लिए बनाना असंभव था, क्योंकि 2,00,000 टन पत्थर यहाँ आया कैसे और वो 2,00,000 टन पत्थर का मलबा कहाँ गया, वो आज तक किसी को नहीं मालूम पड़ा। जब बच्चा छोटा होता है, माँ पार्वती अपने बेटे से कहते हैं आपके पिताजी कौन है, वो बोल नहीं सकता, उंगली से दिखा रहा, देखो 1 फिंगर बॉडी को टच करके, ये मेरे पिताजी शिव भगवान है। यही सवाल हम घर में भी करेंगे तभी बच्चे लोग उंगली से दिखा रहे। 7 4 7 4
नहीं तो 16 गुफाएं ऐसा बोल देना। नहीं नहीं 34 गुफाएं 16 कॉलम के ऊपर मंदिर खड़ा है। अच्छा 16 ही कॉलम क्यों दिए? कुरान ने कहा वो 16 ने सच 100% श्योर, इसलिए 16 नंबर है। कैलाश को बोलते हैं अंदर में शिवलिंग है, इसलिए इसका नाम देगा कैलाश टेम्पल 16 नंबर। एक तरफ राक्षस लोग होते हैं, नेहरू पर्वत की रेह बनाए, वासु के नाम की दोरी है, दूध के सागर मिलाए, उसमें से जो पॉइजन निकला भगवान शिव पिया, नीलकंठेश्वर नाम हुआ, उसमें से 4 प्लेस अमृत गिरा था, अलाहाबाद उज्जैन नासिक हरिद्वार, इसी के कारण 12 ईयर्स 4 साइड में कुंभ मेला लगता है। जैसे हाथी घोड़ा चाबुक लक्ष्मी मेनका ऋषि पॉइजन हलाल और लास्ट में हंटर निकला है जो पुलिस के पास है, मारने के बाद सच बोलता है इंसान। तो बॉम्बे में स्कूल में सिद्धि विनय गणेश रेट की घर में पूजा नहीं होती, गोष्ठी को होते गलती हो तो माफ नहीं करते, इसलिए हमारे घर में लेफ्ट रंग का पूजा होता है, कम जगह मिलेंगे जैसे बॉम्बे में। डांस करने नहीं आते इसलिए भगवान शिव ने उनका कान पकड़ा है, कान पकड़ने से पार्वती गुस्सा आ जाता, नोज टेढ़ा कर दिया। शिव का फेस देखो अभी आपकी तरफ दिख रहा है, उसको राउंड करना है, वो 3D में किसी भी लुक में जाएंगे आपकी तरफ। छत के ऊपर काम करना आसान नहीं है, हम पिक्चर देख रहे गॉगल लगा के देखना। मंदिर के अंदर जाएं तो 100-200 रुपए वाला गाइड कर लें, क्योंकि मंदिर के अंदर अंधेरा है, बिना लाइट मारे आप कुछ देख नहीं पाएंगे। जाके टॉर्च मारो देखो। ओके हाँ। थोड़ा है कोई क्या भगवान शिव ने किसी आँख खोला है? तीसरी आँख खोला है भाई। नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इसमें से 1 और 2 में देखने की लेडी और जेंट्स नाच रहे, वो सुंदर है सर, इंस्पायर है ब्लैक कानून में। थर्ड पैनल देखो एक लेडीज नाच रही शॉर्ट ड्रेस, देखो मिनी स्कर्ट गले में नेकलेस कानून में कुंडल है, अभी हम बोलते मॉडर्न रहते हैं। 1300 साल बारिश के मौसम में यहाँ पे दर्शन करने का अनुभव कैसा रहा वो मैं आपको अक्षरों में बयान नहीं कर सकता हूँ। कर्नाटक के विरूपक्ष मंदिर जो हम्पी में है उससे काफ़ी मिलता जुलता है ये मंदिर। ऐसा माना जाता है 756-773 ई के बीच में इस मंदिर को बनवाया गया था। 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था, जिसकी प्रेम कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन हम सनातनी ताजमहल का नाम तो जानते हैं, इतिहास जानते हैं, लेकिन ना इस राजा का नाम सुना था और ना ही इसकी कथा। कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन से लुटेरे रहे होंगे जो ऐसी रचनाएं रच नहीं सकते थे तो तोड़ दिया। अगर अपनी लाइन बड़ी दूसरों से ना कर सको तो दूसरों की लाइन साफ करके छोटी कर दो, ऐसी छोटी सोच किसकी होगी। खैर डर के मारे आपसे कमेंट नहीं होगा। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की पर मुख्य शिवलिंग और मुख्य संरचनाएं नहीं तोड़ पाया, और आज भी ऐसे शिवलिंग के लोग घर बैठे दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि वीडियो पूरा देख ही नहीं पाते। इस मंदिर को यू आकार में 50 मीटर पीछे से काटकर बनाया गया था। यूनेस्को यानी विश्व धरोहर में शामिल है यह मंदिर, ऐसा अजूबा पूरी दुनिया में शायद ही होगा। महादेव का कैलाश नहीं पर एक ऐसा मंदिर जिसका नाम ही कैलाश है और जिसे कैलाश जैसा ही बनाया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाओं का नाम सबने सुना होता है, लेकिन अजंता की गुफाएं अलग हैं, ये एलोरा की गुफाएं हैं। औरंगाबाद से नॉर्थ वेस्ट में 28 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी लगभग 1.25 घंटा लगेगा, और विष्णुश्वर ज्योतिर्लिंग से 1 किलोमीटर की दूरी पर। हिम यानी कि बर्फ, हिमालय बर्फ से ढका रहता है, कैलाश भी बर्फ से ढका रहता है, वैसा ही इस मंदिर को बनाया गया था और ऊपर से चूने का प्लास्टर से सफ़ेद रंग का ढक दिया गया था। माना जाता है कि कैलाश के अंदर एक अलग ही देवताओं की दुनिया निवास करती है, तो क्या हमारे पूर्वज जानते थे कि कैलाश कैसा है यहाँ पर बैठे हुए? कमेंट करके बताइएगा क्या यहाँ पे जाकर दर्शन करने से कैलाश दर्शन का पुण्य मिलेगा। मंदिर के अंदर एक ऐसी मूर्ति भी है जहाँ पर भगवान कैलाश पर बैठे हैं और रावण उसे उठा रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि रामायण काल्पनिक थी। रामायण की भी कई चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। राम अयोध्या से जाते हुए, भरत वापिस आकर मनाते हुए, शूर्पणखा का चरित्र, भगवान राम की हनुमान से मुलाकात, हनुमान जी समुद्र पार करके अशोक वाटिका में गए, वानर सेना का लंका पर पहुंचना और बहुत कुछ। महाभारत के भी कई सीन पत्थरों में उतारे गए हैं, महाभारत युद्ध वगैरह वगैरह। गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियां हैं जो कि यहाँ पर मूर्ति रूप में विराजमान हैं। 45 फीट ऊंचे और 2 कीर्तिमान स्तंभ मैं आपको दिखा चुका हूँ, और एक ध्वज स्तंभ है। राजा हाथियों पर युद्ध जीतते थे और हाथियों का इम्पोर्टेंस आप देखकर ही समझ गए होंगे। यहाँ पर कमल पर बैठी महालक्ष्मी हैं जिन्हें 2 हाथी पानी डाल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अंधकासुर का वध करते हुए महादेव के हाथ में पात्र है जिसकी वजह से अंधकासुर का खून धरती पर ना गिरे और उसमें से और राक्षस प्रकट ना हो।
नाथ संप्रदाय को मानने वाले लकुले स्वरूप शिव भगवान की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति भी है यहाँ पर। मंदिर जिसे तोड़ने के लिए 1000 आदमियों को लगा दिया गया 3 साल तक औरंगजेब ने 1682 में, और आग तक लगा दी, पर फिर भी मुख्य शिवलिंग और रचनाएं नहीं तोड़ पाए, जिसके भी आप दर्शन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि कैलाश की तरह यहाँ पर मंदिर के नीचे दिव्यास्त्र छिपे हुए हैं। महादेव के दर्शन आपने कर लिए, अभी भैरव के दर्शन करवाता हूँ, फिर अंदर के शिवलिंग के दर्शन भी होंगे। तो आप बताता हूँ वो प्रेम कथा जिसकी वजह से ये मंदिर बनाया गया। एलू नाम का एक राजा बीमार पड़ा, तो उसकी पत्नी ने पास में ही जो 1 किलोमीटर की दूरी पर घृष्णेश्वर शिवलिंग है, वहाँ जाकर भगवान से मदद मांगी कि अगर राजा ठीक हो गए तो मैं एक मंदिर बनवाऊंगी, और जब तक मंदिर की छत नहीं बन जाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये था रानी का प्रेम। अब बताता हूँ राजा का प्रेम। राजा जिंदा बच गए और महादेव के नतमस्तक हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा मंदिर बनाऊंगा जिसे पूरी दुनिया वाले वापिस ना बना पाए। लेकिन ऐसा मंदिर और ऐसी गुफाएं बनाने के लिए कई साल लग जाएंगे, तो तब तक रानी भूखी रहेंगी तो मर जाएंगी। तो राजा ने मंदिर में सबसे पहले शिखर बनाना शुरू किया, क्योंकि रानी का संकल्प था कि जब तक शिखर नहीं बनेगा तब तक खाना नहीं खाऊंगी। तो शिखर यानी ऊपर से बनाना शुरू किया और काट कर मंदिर नीचे की तरफ बनाया गया। एलू राजा के नाम से ही नाम पड़ा एलोरा की गुफाएं। ना ही इस मंदिर के बारे में और ना ही ऐसी प्रेम कथा के बारे में हमें बताया गया।